छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है ज़ीनिथ इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूले। कार्बेट टाइगर रिजर्व में आज से वन्य जीव प्राणी सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। यह वन्य जीव प्राणी सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। वन्य जीवों के संरक्षण की भावना लोगों में जागृत करने के लिए 48 साल से वन्य जीव सप्ताह का आयोजन देश में हो रहा है। वन्य जीव बहुल क्षेत्र से घिरे रामनगर में इस आयोजन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। यही वजह है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में उससे सटे वन प्रभागों द्वारा लोगों में अन्य जीवों के लिए संरक्षण की भावना विकसित पैच। यही वजह है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व व उससे सटे वनों प्रभागों द्वारा लोगों में वन्य जीवों के लिए संरक्षण की भावना विकसित करने को जोर शोर से विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। CTR व उसके आसपास हर साल पहली 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण में लगे विभिन्न संगठनों व वन्य जीव प्रेमियों द्वारा लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विचार गोष्ठी, स्कूलों के बच्चों के लिए निबंध, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन संभाषण, पक्षी अवलोकन रैली आयोजित होती है। 48 साल से दिया जा रहा संरक्षण का निर्देश। वन्य जीव विशेषज्ञ संजय छिमवाल बताते हैं कि वन्य जीव की फुलप्ति की आशंका के कारण भारत में सर्वप्रथम 1952 को वन्य जीव प्राणी सप्ताह का विचार किया गया। वर्ष 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन हुआ। इसके बाद से यह कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहा है। यह आयोजन के उद्देश्य प्रत्येक समुदायों व परिवार को प्रकृति से जोड़ना, मानव के भीतर संरक्षण की भावना पैदा करना, वन्य जीव व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करना, वन्य जीवों के महत्व को समझने के लिए वन्य जीव सप्ताह एक अभियान के रूप में मनाया जाता है। विलुप्त हो रही वन्य जीवों, पशु पक्षियों व पेड़ पौधों की प्रजातियों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसी क्रम में आज कार्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आगाज हो गया। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए कार्बेट टाइगर रिजर्व के वार्डन R.K. तिवारी ने बताया कि आज से 1 से 7 तक हमारा वन्य जीव सप्ताह चलेगा, जिसमें पूरा आज हमारा प्रथम दिवस है, पूरे सप्ताह कार्यक्रम चलना है। इसमें स्थानीय लोगों को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जागरूक मानते हुए पहले दिन हमारे कुक बच्चे वॉलंटियर द्वारा यहां से जागरूकता साइकिल रैली निकालेंगे जो ढेला तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जहां जहां से यह साइकिल रैली निकलेगी वहां हम लोगों को वन्य जीव के लिए संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। पहले दिन सुबह 8 बजे साइकिल रैली से इसकी शुरुआत की गई। वन्य प्राणी सप्ताह हम 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस पर्व को मनाने का लोगों में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आज इसका प्रथम दिन था तो आज प्रथम दिन पे हमने इसलिए साइकिल रैली आयोजित की है जिसमें 40 से 50 लोग प्रतिभागी हैं। कुछ वॉलंटियर हैं, कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ से ढेला ग्राम तक जाएंगे लगभग 18 किलोमीटर, और बीच में 4-5 ग्राम पड़ते हैं उनमें लोगों के वन्य जीवों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए जाएंगे। वहाँ इसका समापन होगा और ये अलग अलग कार्यक्रम 7 दिन तक आयोजित किए जाएंगे। 7 तारीख को इसका समापन किया जाए। ठीक सर, देखिए वन्यजीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है कॉर्बेट में पूरे भारतवर्ष की तरह, और आज हम लोगों ने एक संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल रैली यहां से रामनगर से ढेला वन परिसर तक आयोजित की है, और पूरे सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम हम लोग जागरूकता के लिए यहां पर कर रहे हैं।